वेलकम गाइस टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 3rd January 2024। चलिए रिप्ले मोड ऑन कर लेते हैं। 9:30 से हम लोग डाटा देखेंगे। ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है बिकॉज हम लोग डे में ट्रेड कर रहे थे, मार्केट देख रहे थे। अभी ऑप्शन चेन पे चलेंगे, बैक टेस्टर पे चलेंगे। बैक टेस्टर पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे 4 का, डेट 3 का और टाइम रहेगा 9:30। 9:30 पे हमको क्या क्या दिख रहा है देखने की कोशिश करते हैं। 9:30 पे यहाँ क्या दिख रहा है, सपोर्ट 600 पे, रेजिस्टेंस 600 पे ओआई चेंज की वजह से जो कि टॉप से शिफ्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है 700 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 600 पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 500 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। 500 के सपोर्ट 583 और 632 आ रहे हैं, 600 के 583 एंड 632, 632 583, ये दो लेवल्स आ गए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, यही रहने वाले हैं हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट यही रहने वाले हैं। उसके अलावा कौन कौन से लेवल यूज में आ सकते हैं, तो थोड़ी सी येलो बॉक्सेस यहाँ पे दिख रही है, 650 के लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, 682 है वो ड्रॉ कर लिया था और नीचे मार्केट गया था इसके लिए किया, अभी नहीं कर, 9:30 पे अभी नहीं करना है, अभी यहीं पे हमारा काम बनेगा। क्या काम बनेगा, तो यहाँ से 600 के रेजिस्टेंस से पुट और 600 के सपोर्ट से कॉल, अभी के सिचुएशन में यही दो ट्रेड बन रहे हैं। प्ले कर देते हैं, देखते हैं डाटा मार्केट कहाँ पे आती है। यहाँ पे आया, ये हमको 9:25 9:30 वाली कैंडल में क्या मिला, हमको एंट्री मिली है 9:30 पे, हमारे लिए क्या था 600 पे रेजिस्टेंस था जो कि 700 से शिफ्ट होके आया था इस बेसिस पे, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला पुट का ट्रेड करेंगे 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ। ये हमारा पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया, मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। ये कौन सा कैंडल है, तो 9:35 वाली कैंडल। अब वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गई है 600 पे रेजिस्टेंस, अब वॉल्यूम और ओआई दोनों की वजह से है। सपोर्ट 600 पे है, सपोर्ट में वीकनेस अभी नहीं है, परसेंटेज देख लेंगे डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से हमारे लिए कॉल बनेगा, इस लेवल से कॉल बनेगा। इवन दो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, फिर भी मार्केट क्या है, अपने सपोर्ट पे है, जो सपोर्ट स्ट्रांग है अपने आप में, तो यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बनेगा। टारगेट कहाँ रहेगा, तो अगला लेवल तक ही रहेगा, एसएल क्या रहेंगे, 20 पॉइंट्स ही रहेंगे इस लेवल। कैंडल नीचे आई, टच की, ऊपर ही क्लोज की, इसके बेसिस पे हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं। अगला कैंडल एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल दे देंगे और यहीं पे निकल जाएंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का भी मौका मिला था, वहां पे देख सकते हैं 9:50 दोबारा लेवल पे आई है मार्केट 9:50। इस टाइम में हम लोग अब बेयरिश ट्रेड देख रहे हैं, यहाँ पे बुलिश ट्रेड देख रहे थे, अब बेयरिश ट्रेड देख रहे हैं 9:50 पे। 9:50 पे क्या हो रहा है, 9:50 पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 9:55 यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5:50 पे अब वीकनेस क्रिएट होना शुरू हो गई है। ये वीकनेस क्यों है, क्योंकि अगर ओआई चेंज भी शिफ्ट हो जाता है, इधर ओआई चेंज भी शिफ्ट हो जाएगा ना, तो मार्केट इसके रेंज में आ जाएगी, इन दोनों 600 और 550 के बीच में अगर एक भी शिफ्ट होती है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, तो 550 हमारा सपोर्ट हो जाएगा, जिसके कारण से ये वीकनेस काउंट होगी। यहाँ पे सिर्फ ओआई का वीकनेस काउंट नहीं होगी, सिर्फ ओआई चेंज का काउंट हो रही है। 9:55 पे आप देखिए, 9:55 पे कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, 9:50 वाला कैंडल 55 पे यहीं पे क्लोज हुई है। यहाँ से हम लोग एक बेयरिश ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, तो 550 के सपोर्ट के लिए 536 का ट्रेड टारगेट रहेगा। कैंडल वहीं पे आसपास घूम रही है, यहाँ पे टारगेट आ गया, टारगेट लेके निकल लेंगे। टारगेट आ गया और ये 10:20 मार्केट बॉटम पे भी आ गया है, अब देखते हैं यहाँ से मार्केट कॉल का ट्रेड देगा या नहीं। 10:20 वाले पे देखेंगे, 10:20 पे वापस से सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, जो वीकनेस नीचे क्रिएट हो रही थी वो खत्म हो गई है, वापस से सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है और मार्केट 550 के सपोर्ट पे है। इवन हम लोग ऐसे सिचुएशन में 600 के सपोर्ट से भी कॉल ले सकते हैं, ये तो 550 का सपोर्ट है, यहाँ से डेफिनेटली एक कॉल का ट्रेड बनेगा। 2-4 पॉइंट से लेवल टच नहीं हुए हैं, तो इसको स्किप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, प्रॉपर टारगेट यहाँ पे आएगा। अब वापस से यहाँ देखेंगे 10:35 में क्या फिर से पुट का ट्रेड बनेगा। 10:35 पे दोबारा से पुट का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि दोबारा से क्या हो रही है, सपोर्ट में वीकनेस डाउनवर्ड्स क्रिएट हो रही है, सपोर्ट में वीकनेस डाउनवर्ड्स क्रिएट हो रही है, तो यहाँ से फिर से एक बार पुट का ट्रेड बन जाएगा डाउनसाइड के लिए। यहाँ पे हम लोग फिर से कर सकते हैं, एक ट्रेड से निकलते हैं, दूसरा ट्रेड मिल रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, प्रीमियम तो और ज्यादा वोलेटाइल थे आज। मार्केट दोबारा से थोड़ा सा डाउन जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आई, यहाँ पे देखेंगे क्या वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है, अगर वीकनेस अभी भी कंटिन्यू हो रही है तो हम लोग पुट के ट्रेड में बने रहेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। 11:50 पे देखते हैं डाटा को, 11:50 पे अब देखिए सपोर्ट क्या हो रहा है, सपोर्ट 600 वॉल्यूम के कारण से बना हुआ है, ओआई एंड ओआई चेंज ऑलरेडी
500 पे जा चुके हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉल्यूम की परसेंटेज थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब 600 पे देखते हैं, ओआई एंड ओआई चेंज ड्रॉप हो गई है, वॉल्यूम अभी बचा हुआ है, वॉल्यूम मार्केट को वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम 63% 500 पे, 21,500 पे वॉल्यूम 63% है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर रहा है। सिर्फ अगर वॉल्यूम के देखें तो ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इस वाले ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, एसएल का वेट करेंगे या प्रॉपर टारगेट का वेट करेंगे। मार्केट फिर से वहीं पे लेवल में आई, यहाँ पे टारगेट आया है, ठीक है, यहाँ पे टारगेट आया है। हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों नहीं निकले, क्योंकि मार्केट अभी भी बेरिश था, ट्रेंड बेरिश था, इसके कारण से हम नहीं निकले। अब मार्केट दोबारा नीचे आ गई है, इससे नीचे क्या पॉसिबल है देख लेते हैं एक बार। 12:20 12:20 PM 12:20 पे वापस से सपोर्ट 600 पे चली गई है, 500 से सपोर्ट वापस 600 पे चली गई है। मार्केट 550 के सपोर्ट पे है, मार्केट 550 के सपोर्ट पे है। यहाँ से कॉल बनेगी, जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज करती है हम लोग कॉल का ट्रेड करेंगे। नीचे मार्केट है नहीं, अब मार्केट ऊपर क्लोज की, रिट्रेस भी की, तो यहाँ से कॉल बनेगा, एक सेफ वाला कॉल बनेगा, क्योंकि ये मार्केट का एब्सोल्यूट बॉटम है, इससे नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता। यहाँ टारगेट आ गया, इसी कैंडल में टारगेट आ गया उनका, ये टारगेट आ गया। अब वापस देखते हैं 550 के रेजिस्टेंस पे, जब मार्केट आई 1:25 पे, 1:25 पे क्या हो रहा है, 600 का रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट वापस से नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। 550 का रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। आज पूरा दिन सपोर्ट का खेल था, सपोर्ट ऊपर जा रही, मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट नीचे आ रही, मार्केट ऊपर नीचे आ रही है, तो यहाँ से एक रिस्की पुट बन जाएगा। हालांकि वो उतना रिस्की तो है नहीं, लेवल पे नहीं है, लेवल पे आने के बाद और रिजेक्शन रिट्रेस, या मान लीजिए ये लेवल पे आ गया तो यहाँ तो रिट्रेस करेगी तो बढ़िया होगी। हम लोग अभी के लिए एक पोजिशन बना लेते हैं, एक प्रॉपर वाली यहाँ पे एंट्री बनेगी, प्रॉपर वाली 1:40 पे बनेगी। डाटा देख लेते हैं, 1:40 PM पे क्या बन रहा है, वही है, वॉल्यूम सिर्फ अकेला ऊपर है, बाकी नीचे आ गए हैं, तो सपोर्ट फिर से नीचे आने की तैयारी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर वाली पुट की एंट्री बनेगी। एसएल का वेट करेंगे या टारगेट लेंगे। दोबारा से मार्केट रिटेस्ट करने आई है, जब मार्केट रिटेस्ट करने आती है तो हम लोग देखते हैं क्या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं या होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। 2:00 एक बार दोबारा देखेंगे डाटा को, 2:00 सिचुएशन नहीं बदली है, अभी भी रेजिस्टेंस नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे ही आएगी, इसलिए हम लोग इस ट्रेड में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट आएगा, ये वाला टारगेट आएगा, हो गया। इसके बाद से कोई ट्रेड नहीं करना, 230 पे ही टारगेट आ गया, 230 के बाद वापस यहाँ से ऊपर जा सकती है नहीं हम लोग देखेंगे, नहीं मतलब ट्रेड नहीं करेंगे, देख लेंगे जरूर। 2:40 पे देखते हैं क्या डाटा बोल रही है, 2:40 पे डाटा क्या बोल रही है, 550 का सपोर्ट अब 500 पे आ रहा है, ये और बेरिश हो सकता है, मार्केट नीचे आई दोबारा तो और नीचे की तरफ 500 के सपोर्ट की तरफ भी जा सकती है। 500 का अगर सपोर्ट देखे तो कितना आ रहा है, 491 पे क्या करेंगे हम, लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, तो अगर ट्रेड लेना भी है तो बेरिश ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे दोबारा नीचे आती है या इसी कैंडल पे अगर ले रहे हैं, दोबारा नीचे आने का वेट करते हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, दोबारा नीचे आया, अब इस कैंडल पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, ठीक है, पिछले वाले कैंडल पे करते हैं तो ऐसे जाता है, और क्या टारगेट नीचे तक का टारगेट रहेगा। टाइम है नहीं, वैसे टाइम है नहीं, फिर भी देखते हैं आफ्टर 230 मार्केट कैसे बिहेव करता है। ऑलमोस्ट टारगेट तक आ गई थी ये, ऑलमोस्ट टारगेट तक आ गई थी, कितना पॉइंट से, तो 500 पे आके वापस गई है हम लोग का 9 पॉइंट। तो ओवरऑल आज का दिन कैसा रहा, अगर हम लोग देखें तो कितने ट्रेड मिले हैं, एक ट्रेड, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ ट्रेड मिले हैं, जिसमें से एक में एसएल हिट हुआ है और बाकी सात में टारगेट हिट हुए हैं। ये वाला प्रॉपर टारगेट तक नहीं आया, ठीक है ना, 9 पॉइंट से दूर रह गया, और मार्केट 230 के बाद वाला ट्रेड था, तो इसको वैसे भी काउंट नहीं करना चाहिए। तो आज बहुत ही बेहतरीन दिन था, अगर एओसी अच्छे से यूज कर रहे हैं, लाइव में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया दिन था।